नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको आप सभी को विजुअल फिट के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। स्टूडेंट्स, अभी पिछले टॉपिक से आपने स्टडी किया था कि क्या नाम है, ग्रुप के बारे में बताया गया था कि ग्रुप में को लोन लाइबिलिटीज क्या होता है, एंड उसके पहले आपने करंट लाइबिलिटीज को पढ़ा था, उसके पहले आपने फिक्स एसेट्स करंट सॉरी करंट एसेट्स के बारे में देखा था। अगर स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक्स अगर आपको अगर अकाउंट साइड में प्रॉपर काम करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखें और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर जा कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपको बताया जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट्स भेजा कीजिए, जिससे वीडियोस में हम और भी सुधार आपके लिए और भी डिटेल्स में कैसे बना सके, जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, आप अपने लाइफ में ग्रोथ करें और जॉब में भी आगे प्रगति प्राप्त करें। तो आज वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फिक्स एसेट्स। तो आज हम जानेंगे फिक्स एसेट्स क्या होता है, बिजनेस में फिक्स एसेट्स का क्या इस्तेमाल की जाती है, और ये फिक्स एसेट्स बिजनेस में कैसे इन्वेस्टमेंट के साथ इसको बिजनेस में कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि फिक्स एसेट्स क्या होता है। हम बिजनेस में जब एक व्यापारी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बिजनेस को संचालन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एसेट्स, जो स्थायी एसेट्स होते हैं जिससे बिजनेस का संचालन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपके पास कंप्यूटर होते हैं, फर्नीचर होते हैं, लैंड होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, ये सभी एसेट्स होते हैं जिसके द्वारा व्यापार का संचालन की जाती है, उनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो ये फिक्स एसेट्स, जैसे हम बिजनेस में फिर से पिक करना, बिजनेस के संचालन हेतु यानी बिजनेस को चलाने में जो वस्तु यानी जो स्थायी वस्तु इस्तेमाल की जाती है, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एंड ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरी पार्ट्स, किसी भी प्रकार के मशीनरी पार्ट्स होते हैं, ये सभी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, जिनकी वैल्यूएशन, जिनका इस्तेमाल आप एक लॉन्ग टाइम प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल अपने बिजनेस में करते हैं, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, प्रॉफिट ग्रोथ करने के लिए जो एसेट इस्तेमाल करते हैं उसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, जिनकी वैल्यूएशन दिन प्रतिदिन घटती एवं बढ़ती रहते हैं, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, कंप्यूटर, फर्नीचर और ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं, इनकी वैल्यूएशन हर साल दर साल घटती जाती है, यानी अगर आज 10 रुपए का है तो अगले साल ये उसमें कुछ परसेंट डाउन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो जिनकी वैल्यूएशन साल दर साल ग्रोथ होती है, वो है लैंड और बिल्डिंग होते हैं। तो इन पे हम कैसे इनकी वैल्यूएशन निकालेंगे, इस फिक्स एसेट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, हम वो आपको अगले वीडियो में डिप्रिसिएशन के साथ बताएंगे। फिलहाल यहाँ फिक्स एसेट्स क्या होता है, जो बिजनेस में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं होती हैं, जो बिजनेस को संचालन करने में इस्तेमाल की जाती है, उन्हें हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। अगेंस्ट अगर करंट एसेट्स के बारे में जाने तो ये करंट एसेट फिक्स एसेट का अंतर क्या होता है। करंट एसेट्स एक आपका शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, जिसको किसी भी समय कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बैंक होता है, कैश इन हैंड होता है, स्टॉक्स होते हैं आपके, लोन एंड एडवांस एसेट्स होते हैं, डिपॉजिट एसेट्स होते हैं या सनी डेब्टर्स होते हैं। जैसे सनी डेब्टर, किसी व्यक्ति को माल बेचा हुआ है वो कुछ दिन बाद आपको पैसे पेमेंट करेगा, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। डिपॉजिट एसेट्स आपका जो जमा संपत्ति, जो बिजनेस के लिए आपने कहीं पैसा एडवांस दिया हुआ है उसको लीव करने वो पैसा आपका रिफंडेबल हो जाता है। लोन एडवांस एसेट, किसी भी एम्प्लॉय को एडवांस पैसा दिया हुआ है वो कुछ समय बाद आपका पैसा रिफंडेबल कर देता है। स्टॉक इन हैंड, जो माल आपने खरीदा हुआ है उसको आपने सप्लाई किया, पैसा आपका क्लेम हो गया। एंड कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश लिक्विड में रहता है, और बैंक, जो पैसे आपके बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सभी आपके लिक्विड एसेट्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स कहते हैं उनको बोलते हैं करेंट एसेट्स, और ये होते हैं आपके फिक्स एसेट्स, जो बिजनेस को संचालन में लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल की जाती है उनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो ये है आपके स्टूडेंट फिक्स एसेट और करेंट एसेट्स में अंतर। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो समझ में आया हो लाइक, तो उसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।